हापुड़ में पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेश भर के अधिवक्ता लामबंद हैं। अधिवक्ता काफी लंबे समय से कार्यवाही की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल कर रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा लिखे जाने के बाद भी कठोर कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अधिवक्ता एक्ट की मांग एवं लाठीचार्ज के मामले में अब तक कोई कठोर कार्यवाही ना होने के कारण गुरुवार को कासगंज जनपद के पटियाली बार एसोसिएशन के दोनों अध्यक्ष ओमकार सिंह चौहान एवं विपिन पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। जी, ये पुतला दहन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का। जी, जैसे आप जान रहे हैं कि ये सब लोग यही कहते हैं कि हापुड़ की एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है ये कोई छोटी हड़ताल या फिर एक छोटी सी बात नहीं है। हम अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, यानी कि हम अधिवक्ताओं को समझा क्या जाता है? पुलिस प्रशासन का कोई भी उठ के हम अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करेगा, ये क्या बात हुई? हम अधिवक्ता कानून की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारी यही मांग है कि किस अधिकारी के आदेश पर यह लाठीचार्ज हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किन पुलिस वालों ने यह लाठीचार्ज किया है, सबके खिलाफ एफआईआर हो। ये सुना जाता है कि एसआईटी टीम गठित करके एफआईआर गठित मतलब एफआईआर किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही पुलिस अधिकारी और फिर जो डीएम है, जो एसपी है हापुड़ के, वो सस्पेंड हुए हैं। तो उनकी जब तक वो सस्पेंड नहीं होते हैं, पुलिस वाले जब तक गिरफ्तार नहीं होते, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी जो मांग है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन यूपी में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई, हम अधिवक्ताओं को पीटा गया, यहाँ तक कि मैं खुद एक महिला अधिवक्ता हूँ, महिलाओं के साथ इतनी बदतमीजी की गई है, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, तो अभी तक क्यों नहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है? ये बहुत गलत बात है। और जितना जल्दी हम सरकार को यही सूचित करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरा करें, हमारा ये जो मांगे हैं वो उनकी डिमांड पूरा करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, हमारा ये जो हड़ताल है, हमारा जो भी कह ले आप धरना है, प्रदर्शन है, हमारा रोष है, जो गुस्सा है, वो लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।